हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग ये वेलकम बैक ये है एक्ट 6.2.5 का एपिसोड जल्दी से एंटर करते हैं एंड टीम मैंने सेलेक्ट कर ली है ओके तो गाइज यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ 6.2.5 में अब देखते हैं यहाँ से कौन सा पाथ मैं लेने वाला हूँ जहाँ तक मुझे याद है मेरे को एक्चुअली अब याद भी नहीं है मैंने कौन सा पाथ लिया था जहाँ तक मुझे याद है मैं शायद से पाथ ले रहा हूँ ये ब्लीड ये शायद ड्रैग्स वाला पाथ ले रहा हूँ एनी वे जल्दी से पाथ सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं ओके तो गाइज मैं ले रहा हूँ ड्रैग्स वाला पाथ यहाँ पे कुछ लोकल नोड है ग्लोबल नोड क्या है वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ ग्लोबल नोड इधर तंगी लाता है भाई 6.2.5 में लिम्बर है एनर्जाइज है और डू नॉट गो जेंटल है डू नॉट गो जेंटल में आपको क्या करना है हर पांच हिट में आपको एक चार्ज मिलेगा जब भी आप एक अपने सामने वाले डिफेंडर को नॉकआउट करोगे अगर आप पे कोई चार्ज है एक है दो है तीन है जितने भी चार्ज है वो कंज्यूम होंगे और आपको डिफेंडर के अटैक के बराबर डैमेज मिलेगा आपको जब भी उसको मारना है नॉकआउट करना है या केओ करना है फाइट में हमेशा अपने ऊपर जीरो चार्ज रखने और जीरो चार्ज तब रखे जाएंगे जब आप बार बार हैवी फेंकोगे हैवी फेंकने से एक चार्ज रिमूव होगा विद नो पेनल्टी इंटरसेप्ट करने से दो चार्ज रिमूव होंगे विद नो पेनल्टी तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें चार्ज नहीं रखना है आपने ऊपर और बाकी आ, फाइट करना बहुत आसान है आ, डिफेंडर को नॉकआउट करना है जब भी आपको जीरो से वन से जीरो परसेंट लाना है इसको आपके ऊपर एक भी चार्ज नहीं होना चाहिए अगर चार्ज हुआ आपको डैमेज मिलेगा इक्वल टू डिफेंडर अटैक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे तो ये बात थी ग्लोबल लोड की अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्वेस्ट की 6.2.5 एक्ट 6.1.1 से लेके 6.2.6 तक मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट 6.2.5 लगता है क्योंकि भाई सच में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पाथ एक तो इसका पाथ जो मैं पाथ ले रहा हूँ ये भी डिफिकल्ट है इसमें बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है क्योंकि आ, एक भी चार्ज नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि स्पेशल टू फेंके लेकिन ये बंदा स्पेशल टू फेंकने को रेडी ही नहीं है लेकिन शायद मैं इसको स्पेशल टू फैक देगा ये जहाँ तक मुझे लगता है भाई इतना वेट करवा लिया अब तो फाइट भी इसी वजह से लंबी हो गई और इस बात पे बहुत सारी फाइटें हैं तो टाइम लगेगा और गाइज उसके बाद में बॉस जो है हमारा वो है मोडो मोडो को मारना डिफ़िकल्ट है वो बहुत आसानी से नहीं मरता है अगर इंटरसेप्ट आपको प्रो लेवल का आता है तो वो आसान होगा आपके लिए लेकिन भाई मेरे जैसे प्लेयर जो है उनके लिए मुश्किल होने वाला है आप लोग देखोगे कि मैं कैसे करने वाला हूँ Uh, मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट किया इसलिए चार जेटा एक हैवी फेंका एक चार्ज ही मूव होगा इंटरसेप्ट करेंगे दो चार्ज मूव होंगे यहाँ पे स्पेशल टू चला गया है मैंने वापस से स्पेशल थ्री फेंक दिया है अब मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा इनडिस्ट्रक्टेबल मेरे पे लग चुका है वो भी अपना स्पेशल थ्री फेंकेगा यहां पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल है तो मुझे कोई फर्क डैमेज नहीं मिलने वाला यहां पे आप लोग देख रहे हो एक चार्ज हो गया मैंने इंटरसेप्ट किया चार्ज रिमूव हो चुका है यहां पे डन हो गई फाइट चार्ज रिमूव हुआ तब जाके आपको फाइट डन करनी है अगर चार्ज रहते हुए आपने फाइट डन की आपको डैमेज मिलेगा तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे फाइट है एल्ट्रॉन के साथ में एस्पेक्ट ऑफ पावर है मतलब 50 सेकंड में इसे मारना होगा और यहाँ पे ब्लड ड्यूरेशन ब्लीड ड्यूरेशन 100 परसेंट रिकवरी है और नॉट गो जेंटल है ये पाथ जो मैं ले रहा हूँ ये डिफिकल्ट पाथ है आ, मेरे लिए और कोई आसान पाथ नहीं लग रहा था मुझे मेरी टीम के लिए तो मैं इसी पाथ से लेके आ रहा हूँ आप लोग दूसरे पाथ जो भी पहली बार कर रहे हो मेरी पुरानी वीडियो देखो उसमें जो पाथ ली है वो पाथ बहुत ईजी है या अगर, अगर आपकी टीम जो है उसके हिसाब से पाथ लो आपको बेटर रहेगा क्योंकि आपको पता है आपकी टीम में क्या काबिलियत है आप ऐसे खेल सकते हो तो आपको वो पाथ खुद ही डिसाइड करना है बॉस को मारना कैसे है वो उस चीज का ध्यान रखना होगा इंटरसेप्ट करना सीखो प्रो लेवल का इंटरसेप्ट आता है तो बहुत आसान होगा और लेकिन उसके बाद भी आसान नहीं होगा मैं सिंपली आपको बता दूं 6.2.5 6.2.6 से भी ज़्यादा मुश्किल है आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं हैवी फेंकने का ट्राई कर रहा हूँ चलो देखते हैं यहाँ पे कितना काबिल रहते हैं कितने हम कोशिश कर पाते हैं ये इस पाथ में फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा है उसके बाद में और क्या बोलते हैं Uh, बहुत साइड भी ज्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेस्ट को करने में कंप्लीट करने में एंड लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे नाइन फीट्स तो हमने बना लिए मैं हैवी हैवी स्पैम तो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यार uh, <coughs> मैं नहीं चाहता मेरे पे कोई चार्ज आए एस्पेक्ट ऑफ पावर की वजह से यह अनब्लॉकेबल हो चुका है मेरे पास ब्लॉक प्रेफ्रेंसी भी जीरो हो चुकी है स्पेशल थ्री मुझे फेंकना पड़ेगा क्योंकि एस्पेक्ट ऑफ पावर की वजह से मुझे मार पड़ी है यहाँ पे एंड ये फाइट हो चुकी है ओवर लास्ट का थर्टी परसेंट मेरे स्पेशल थ्री ने खत्म कर दिया चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे ओके तो गाइस फाइट है वेनोम दर्ब डक के साथ में इसमें एग्रेसन uh, प्रिसिशन हर दो सेकंड में प्रिसिशन मिलेगा और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोकल नोड्स नहीं हैं बस एक ही चीज़ डिफ़िकल्ट है वो है ग्लोबल नोड यहाँ पे ग्लोबल नोड मुश्किल है इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा जल्दी से फाइट करते हैं एंटर करते हैं फ़ाइट में हरकुलिस uh, को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ शायद मैं आगे जाके ये टीम चेंज करने वाला हूँ जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तो मैं इसको बॉस के लिए रैप अप कर रहा हूँ इतना ही मुझे पता है uh, मेरे को बहुत पहले कर लिया था मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट वैसे तो इसलिए मेरे को याद नहीं है मैंने क्या किया था इसमें बट जैसे जैसे फाइटें हो रही है वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने क्या किया था इस फाइट में और जहाँ तक आप मेरे को याद आ रहा है शायद मैं ये हरकुलज़ को स्वैप करने वाला हूँ चैम्पियन से इसको टीम चेंज करने वाला हूँ मैं हाँ शायद से ओके मेरा हरकुलज़ पूरा पूरा इस फाइट में रैप अप हो चुका है स्पेशल टू हमने बहुत ही शानदारी से इसका इंटरसेप्ट किया uh, मतलब डेस्क किया सॉरी इंटरसेप्ट बोल रहा था यहां पे हमें हैवी स्पैम करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज हटाना है ये चार्ज मैंने हटाया यहाँ पे स्पेशल थ्री बन चुका है मेरा स्पेशल थ्री अगर मैं फैक भी दूंगा ये मर जाएगा हाँ मुझे लगता है जहां तक और मैंने हरकुल इसको भी हील किया है इस फाइट के लिए ओके ये फाइट हो गई ओवर बहुत आसानी से यह फाइट हुई है चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे ओके तो गाइस फाइट है रोनन के साथ में इसमें बायो हजार लगा है स्पीफी लगा है एनहेंस एबिलिटी है बायो हजार है तो हम यहाँ पे ब्लैक विडो क्लायर वॉयट का इस्तेमाल करेंगे आप लोगों ने देखा होगा आजकल की वीडियो में बहुत ही कम यहाँ पे ब्लैक विडो क्लायर वॉयट को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हर आ चुका है मेरे पास आने वाले समय में मैं कॉर्वस ग्लेव को भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे ख्याल सिक्स में मैंने कॉर्वस ग्लेव को इस्तेमाल किया और आप लोग देखोगे उसका जलवा क्या करेगा वो चैंपियन के साथ में ओके okay, फाइन फिलहाल हमें बायो हजार पे हैं हम इसके हम इसको जब भी स्ट्राइक करेंगे हमें ब्लीड मिलेगा हम ब्लीड इम्यून है तो हमारा पावर गेन होगा अगर मैंने इसके ब्लॉक पे मारा तो मुझे पॉइजन मिलेगा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं इसको ब्लॉक पे हिट नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसके आ, इसको स्ट्राइक कर रहा हूँ ताकि ओके okay, स्टन मिल चुका है मेरे को बहुत ही बढ़िया इसने स्टन दे दिया स्पेशल वन डायरेक्ट पड़ा है भाई Uh, तो मुझे यहाँ पे हील करना पड़ेगा स्पेशल थ्री एक्टिवेट करते हैं अपना पहले मैं हैवी हैवी स्पैम कर रहा था ताकि मेरे को मेरे ऊपर कोई चार्ज ना रहे uh, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ मेरे ऊपर चार्ज रहे और एक चार्ज आ चुका है मेरे को हैवी फेंकना पड़ेगा यहाँ तो मुझे इंटरसेप्ट करना पड़ेगा अब ये चार्ज हटाने के लिए हैवी फेंक दिया मैंने स्पेशल टू बन चुका है सामने वाले का मुझे स्पेशल टू से बचना है ये बचा मैं स्पेशल टू से एंड माना शुरू करते हैं यहाँ पे पावर गेन हो चुका है यहाँ पे एंड एक और हैवी फेंका मैंने ब्लेड का डैमेज हमें नहीं मिलेगा मैंने इसके ब्लॉक पे हिट किया बाई चांस मैं बच गया हूं मेरे को पॉइजन नहीं लगा नहीं तो मेरे को पॉइजन पे जाना पड़ता और बाई बहुत डैमेज मिलता हमें गलती से मैंने इसके उस पर हिट कर दिया ओके okay, आप लोग देख रहे हो मेरे को डैमेज मिलने वाला है यहां पे डैमेज मिला क्योंकि मेरे ऊपर एक चार्ज था इसलिए मुझे डैमेज मिला है ओके इक्वल टू डिफेंडर अटैक नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं फाइट भी कंप्लीट हुई फाइट है बीस्ट के साथ में इसमें एग्रेशन फ्यूरी लगा हुआ है एग्रेसिव डैश और हैवी ज्यादा करेगा स्टन इम्यूनिटी है इसको ओके डू नॉट गो जेंटल तो सबसे मुश्किल इसमें नोड जो है वो है यहाँ पे ग्लोबल नोड और उसके बाद में स्टन इम्यूनिटी Uh, बस यही काम है चलो हरकुल्ली से फाइट करते हैं हरकुल्ली को हमने सात फीट्स दे रखे हैं यहाँ पे दो फीट्स और बनाने की ट्राई करेंगे एंड उसके बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट तो किया यहाँ पे एक चार्ज मिल चुका है मुझे आ, मुझे यहाँ पे चार्ज हटाने पड़ेंगे मतलब उनको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज्यादा ताकि मैं चार्ज हटाऊ मैं यहाँ पे हैवी स्पैम करने का ट्राई कर रहा था लेकिन इसका एनिमेशन की वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गया हिसाब नहीं लगा पूरा बराबर लेकिन कोई नहीं एक यहाँ पे डू नॉट गो जेंटल है हमारे पास हर फाइव हिट का कॉम्बो से जब भी हमारे कॉम्बो मीटर में पाँच दस पंद्रह होगा तो हमको एक एक चार्ज मिलता चला जाएगा ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है तीन यहाँ पे हो चुके हैं मुझे चार्ज हटाने पड़ेंगे अगर मैं चार्ज नहीं हटाऊँगा मुझे डैमेज मिलेगा आप लोग देखो अभी डैमेज मिलने वाला है मुझे मैं नॉकआउट नहीं कर पाऊँगा इसको यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल लगा हुआ है एंड ये नहीं मरेगा जब तक मेरे को डैमेज रिफ्लेक्ट नहीं होगा डैमेज रिफ्लेक्ट हुआ अब जाके ये मरेगा क्योंकि अभी भी एक चार्ज है अभी भी नहीं मरेगा ये बंदा एंड मैंने यहाँ पे फाइट खत्म कर दी चार चार्जेस थे मेरे पे मैं मेरे को डैमेज मिलेगा ही मिलेगा आप लोग चीट नहीं कर सकते डू नॉट गो जेंटल को आपको डैमेज मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी करो आपको चार्ज हटाने ही हटाने हैं इंटरसेप्ट या हैवी करना ही करना है ओके मॉर्निंग स्टार से फाइट है इस पर क्या लगे हुए हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसके लोड नोड आ, चलते हैं फाइट करते हैं जल्दी से जल्दी एंड कैप्टन अमेरिका पिछली फाइट में हरकुलिस को मार यार मैं मार इसलिए खाई क्योंकि स्टार्ट इम्यूनिटी थी मैं हैवी नहीं दे पा रहा था इंटरसेप्ट भी किया था बीच में मैंने बट कोई नहीं चलो पड़ गई तो पड़ गई फिलहाल इससे भी पढ़ रही है मॉर्निंग स्टार से ओके ट्राई करते हैं फाइट uh, कंप्लीट करने का जितना हमसे हो सके यहाँ पे एक चार्ज मिल चुका है मैंने हैवी फेंक दिया बहुत ही बढ़िया अब चार्ज नहीं है लेकिन कैनेटिक चार्ज भी नहीं हूँ मैं एक कैनेटिकली चार्ज हो चुका हूँ मैं यहाँ पे एंड प्योरीफाई कर रहा है मेरे को जब भी ब्लीड दे रहा है ये मॉर्निंग स्टार को आप जब भी मारोगे आपको ब्लीड मिलेगा अब मेरा जो कैप्टन अमेरिका है वो काइनेटिक गस एडवांटेज है तो काइनेटिक चार्ज एक प्योरीफाई कर जैसे ही मेरे को ब्लीड लगता है मेरे को प्योरीफाई कर लेता है वो यहाँ पे मेरा स्पेशल थ्री एक्टिवेट हो चुका है सिक्सटी परसेंट हेल्थ है उसकी एंड यहाँ पे एक और हैवी मैंने फेंका फिफ्टी फाइव परसेंट हेल्थ है उसकी यहाँ पे काइनेटिक चार्ज हट गए मेरे से एंड एक और हैवी मैंने फेंका फिफ्टी टू परसेंट एंड स्पेशल थ्री दे रहा हूँ फ्यूरी के साथ लेट्स ही देखते हैं कितना डैमेज मिलेगा 52% से 29% पे पहुंच चुका हूं। एक चार्ज है मेरे को यहां पे हैवी देना पड़ेगा ये दिया मैंने हैवी बहुत ही क्रिटिकल तगड़ा क्रिटिकल डैमेज मिला 11,000 का ये दिया मैंने एक और हैवी एंड 16% हेल्थ है इसकी भाई मर जा यार कब तक मारूं तेरे को मर ही नहीं रहा है हद हो गई यार मर जा भाई कितना मारूँ अब ओके आई होप कि ये इस वाले हैवी में मर जाए प्लीज़ यार ओके मर गया मर गया बहुत ही बढ़िया मर गई मॉर्निंग स्टार चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं डॉक्टर स्टेज से फाइट करना मुझे बहुत गंदा लगता है भाई इम्प्रूव पावर गेन ओके पावर गेन बहुत तगड़ा होने वाला है एबिलिटी है एग्रेशन फ्यूरी है टू नॉट गो जेंटल है आप सभी लोगों को पता है इसका पावर गेन क्या ही होता है और भाई अब तो उस पर पावर गेन का लोकल नोड भी है तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है लेट्स ही ट्राई करते हैं यहाँ पे हम आ, निक फ्यूरी से क्योंकि हम ब्लीड डैमेज भी दे पाएंगे निक फ्यूरी से करूँ कि नहीं करूँ कर लेता हूँ वैसे मेरे को लगता है ओके okay, गाइस यहाँ पे हमारी फाइट है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में अब देखो यार ये फाइट तो चलती रहेगी मैं आप लोगों को बता दूँ बॉस फाइट में जो बॉस फाइट है वो है मोडो के साथ में बहुत मार पड़ी है सच में मेरे को बहुत मार पड़ी है एक टाइम तो ऐसा आ रहा था यार भाई अब ऐसा बजा दी भाई बजा दी इसने मेरी एक दिन एकदम से बजा दी भाई एक ही स्पेशल टू में खा गया भाई पूरा का पूरा हद है यार भाई खा गया पूरा अरे तेरी तो ऐसी की तैसी एक्स सिक्स पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव सच में डिफिकल्ट है यार निक फ्यूरी मरा लेकिन मरते मरते 20 परसेंट अटैक रेटिंग हमारी बढ़ा चुका है लेकिन कोई नहीं मैं आप लोगों को बता रहा था बॉस के बारे में बॉस जो है वो है मोडो मोडो को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है अगर आपको इंटरसेप्ट करना नहीं आता है तो सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी आसान नहीं है उसे मारना क्योंकि बहुत मुश्किल होगा उसे मारना आ, मैं मेरे जैसे प्लेयर जो होंगे वो बहुत मुश्किल से मार पाएंगे उसको क्योंकि मुझे प्रो लेवर का इंटरसेप्ट नहीं करना आता है थोड़ा बहुत इंटरसेप्ट कर लेता हूं मैं कभी कभी और उसका स्पेशल वन एनहेंस है मतलब अनब्लॉकेबल है स्पेशल टू भी अनब्लॉकेबल है उसका एंड और क्या है उसमें पावर गेन बहुत तगड़ा है स्टन इम्यूनिटी उसको होगी तो मुश्किल होगा उसे मारना लेट्स ही देखते हैं क्या क्या हो सकता है अभी तो डॉक्टर स्टेन से काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है मेरा निक फ्यूरी गया मेरा कैप्टन अमेरिका गया एंड अब बचा है वॉरलॉक देखते हैं वॉरलॉक है क्या कमाल कर सकता है यहाँ पे एंड ठीक है देख लेते हैं एक एक चार्ज आ, मिल चुका है हमें डू नॉट गो जेंटल का यहाँ पे दो चार्ज हो चुके हैं क्योंकि कॉम्पोमीटर टेन का हो चुका है ये दिया मैंने हैवी एंड स्पेशल थ्री इसका अगेन एक्टिवेट हो गया पावर गेन बहुत तगड़ा हो रहा है इसका अगेन स्पेशल थ्री एक्टिवेट हो गया और भाई देखो गलत ही मार पड़ी है यहाँ पे बट एनी वे मैंने स्पेशल इंटरसेप्ट किया है यहाँ पे ओके uh, okay, मेरा वॉरलॉग भी गया पावर गेन इसका इतना तगड़ा हो रहा है कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं इसको मारूं। भाई से मेरे तीन चैंपियन खाया है लेकिन पावर गेन नहीं होता तो मैं बहुत गंदा मारता है इसको एनीवे anyway, वे कोई नहीं ब्लैक विडो बची है ब्लैक विडो से ट्राई करते हैं ट्राई करना है सबसे ट्राई करना है जब तक टीम नॉकआउट नहीं होती है टीम हील मार देंगे एक और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें इसको मारना है यहाँ पर हमें एक चार्ज मिला है हमें अरे शिट मैंने इसको ब्लॉक पर डैमेज देने की ट्राई की और और जाके मुझे ही डू नॉट गो जेंटल का डैमेज मिला ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर uh, अब जो फाइट है वो है वल्चर के साथ में जिसमें स्टन इम्यूनिटी है विग्योर हर हर पंद्रह सेकंड में ये रीजन करेगा ओके स्पेशल थ्री लाइकली टू एक्टिवेट स्पेशल अटैक थ्री ओके और डू नॉट गो जेंटल है लै भाई ये भी स्पेशल थ्री मारेगा क्या अब चलो यहाँ पे मैं वॉरलॉक को रिवाइव क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इस पर रिजनरेशन होगा तो पावर ड्रेन होगा आ, और ये स्पेशल थ्री आ, नहीं ठोक पाएगा चलो यहाँ पे मैंने हील भी कर दिया जल्दी से वॉरलॉक से फाइट करते हैं ओके गाइस यहाँ पे शुरू हो गई है फाइट आ, अभी तक मैं बॉस पे नहीं पहुँचाऊँ और मेरे यहाँ पे आई थिंक एक रिवाइव लग चुका है बॉस पे अभी तक पहुंचा नहीं हूँ एक रुपये पहले ही लग चुका है दो हमारे को चार्ज मिल चुके हैं यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट किया दोनों के दोनों चार्ज खत्म हुए एक हैवी पे एक चार्ज ख़त्म होगा इंटरसेप्ट करने पे दो चार्ज जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखते जाना है आपको मैंने इन्फेक्टेड कर दिया तो वो रीजन तो नहीं कर पाएगा पावर ड्रेन भी कर पा रहा है वो ओके यहाँ पर इसने स्पेशल वन फेंक दिया ओके तीन चार्ज है मेरे पास मैं इसको हैवी स्टन इम्यूनिटी है तो उसकी वजह से क्या है कि भाई ये मैं इसको स्टन भी नहीं कर पाऊँगा हैवी भी, भी नहीं फेंक पाऊँगा और मुझे यहाँ पे डैमेज मिलने वाला है फिर मतलब पांच चार्ज हो चुके हैं यहाँ पे स्पेशल थ्री फेंक लेते हैं ऐसे स्पेशल थ्री थ्री से भी इसका पावर गेन होगा ओ पावर ड्रेन होगा एक्चुअली में ओ शिट मार पड़ गई सेवेंटी परसेंट में पहुँचा चुका हूँ मैं इसको देते हैं देखते हैं कितना मार सकते हैं जितना मारेंगे उतना ट्राई करेंगे उसके बाद देखते हैं हम हर कुल इसको ले आएंगे क्योंकि वन परसेंट पे मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ ये फ़ाइट कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा मैं ऐसे लेकिन वन परसेंट पे ला छोड़ दूंगा इसको मैं ऐसा मेरी कोशिश है लेट्स सी देखते हैं क्या होता है ओके okay, फिफ्टी सिक्स परसेंट पर पहुँचा दिया है भाई इस पर नोड लगा है लाइकली टू एक्टिवेट स्पेशल अटैक थ्री लेकिन इसको मैंने इतना मजबूर कर दिया कि इसे स्पेशल वन ही फेंकना छोड़ दिए स्पेशल वन फेंकना छोड़ रहा है अब ओके नाइन चार्जेस आप लोग देख रहे हो डू नॉट जेंटल के नाइन चार्जेस यहाँ मैंने इंटरसेप्ट किया तो दो चार्ज हटे ओके okay. मैंने अगेन इन्फेक्टेड कर दिया इसको तो ये रीजन रीजन uh, नहीं कर पाएगा ना ही ये पावर गेन कर पाएगा जब तक ओके थर्टी ट्वेंटी सेवन परसेंट पे है ये ओके ट्वेंटी टू परसेंट पे है ओके 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 इलेवन चार्जेस हैं मेरे पास पीछे जाना चाहिए एंड अब ट्राई करते हैं मारने का इसको डैमेज बहुत कम मिल रहा है यार समझ नहीं आ रहा मेरे को ओवरलॉक का इतना डैमेज कम कैसे हो रहा है इधर पे ओके हमें इन्फेक्टेड करना पड़ेगा ये रीज़न कर रहा था ट्वेल्व परसेंट पे है ओके okay. मैं इसको वन परसेंट पे ला के छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वन परसेंट पर मैं मर जाऊँगा तो मैं हरकुल इसको ला के एक हिट में ही काम तमाम कर दूंगा इसका सिक्स परसेंट फोर परसेंट थ्री परसेंट टू परसेंट ओके okay, ये हुआ वन परसेंट पे आई थिंक सो चलो मैंने इसको इन्फेक्टेड भी कर रखा है तो ये पावर गेन तो नहीं करेगा होप सो ओके यहाँ पे अब बिल्कुल इसकी हेल्थ आई थिंक वन है वन पे है ये हेल्थ पे अब uh, मैं इसको हरकुलिस से मार लूँगा ओके okay, हरकुलिस आया है और ये फ़ाइट ओवर हो चुकी है चलो फाइट हो गई ओवर नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं ओके गाइस एनहेंस स्पेशल टू है इसका स्पेशल डिलीवरी है यहाँ पे मतलब हर पंद्रह चार्ज में अगर हमने स्पेशल नहीं छोड़ा तो हमें डैमेज मिलेगा डो नॉट गो जेंटल है और मेरे को लगा था स्टन इम्यूनिटी है इसको लेकिन स्टन इम्यूनिटी नहीं है तो मैंने चैंपियन स्वैप किया है वॉरलॉक की जगह में यहाँ पर आर्केंजल आया हूँ रिकवरी है एनहेंस फ्यूरी है शुपीफी है एनहेंस एबिलिटी है फॉर ईच मेंबर ऑफ द अटैकर टीम इज़ नॉक आउट द अटैकर सफर ट्वेल्व पॉइंट फाइव अटैक एंड एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन ओके ठीक है कोई नहीं ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नोट नहीं है स्पाइट uh, है वाइल्ड ओपोनेंट है एक्टिव ओके पावर फ्लड मिलेगा इसको जब भी हमें बफ मिलेगा ऑल बफ फॉर दिस चैंपल लास्ट फोर्टी परसेंट लॉन्गर हॉट लॉकर भी है इसको ओके स्टन इम्यूनिटी नहीं है तो हम स्टन कर सकते हैं आर एंजल को मैं इसलिए लाया हूं, क्योंकि आर एंजल एस्ट्रल इवेड को बाईपास करता है मतलब एस्ट्रल इवेड नहीं कर पाएगा हम ये मोडो तो ये सही रहेगा इसलिए मैं आर एंजल को लाया हूँ और हम ब्लीड भी लगा पाएंगे पॉइजन भी लगा पाएंगे तो इजीली होना चाहिए यहाँ पे प्लान मेरा यह था लेकिन देखते क्या होता है आगे ओके स्टान तो कर सकते हैं हम ये तो है हम में यह किया मिनट यह क्या हुआ एस्ट्रल इवेड नहीं करना चाहिए था इसे क्या हो रहा है भाई ये क्या स्कैम चल रहा है क्या देखो देखो आगे आगे देखो अभी क्या होने वाला है स्पेशल टू एनहैंड है ये तो चलो इवेड हो जाता है स्पेशल टू इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी हमें यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास मुझे इसको स्टन करना है ओके स्पेशल थ्री एक्टिवेट हो चुका है उसका मेरा यहाँ पे ओके डी जनरेशन मिला मेरे को स्पेशल डिलीवरी पंद्रह चार्ज से पहले मैंने अपना ये नहीं छोड़ा जिसकी वजह से मुझे मार पड़ी एशल इवेड नहीं करना चाहिए था इसे इसने एशल इवेड क्यों किया मैं आप लोगों को बताता हूँ एक नोड़ पड़ा था हमने कि जितने अटैक अटैकर की टीम में बंदे नॉकआउट होंगे उतनी एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन होगी तो मैंने ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया मैंने सोचा नहीं इसीलिए मेरी एबिलिटी एक्यूरेसी आर्क एंजल की थी जो वो गिर गई और यहाँ पे एशल इवेड नहीं हुआ जिस वजह से आ, मुझे यहाँ मार पड़ी ये चीज़ मैं उस टाइम नहीं समझ पाया था ये, स, ये चीज़ मैं एडिटिंग में समझ पाया जब तक मैं फ़ाइट कर रहा जब जैसे जैसे मैं फ़ाइट कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है लेकिन ये चीज़ मैं समझा तब जब एश, आ, मैंने एडिटिंग की फिलहाल सेवेंटी सिक्स परसेंट पर है और यहाँ पे हर पुलिस भी काम नहीं कर रहा है आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है आई होप कि यहाँ पे शायद ब्लैक वीडो बची हुई है ब्लैक वीडो से ट्राई करते हैं मारने का लेट्स सी देखते हैं दो लाख इकतीस हज़ार की हेल्थ अभी भी बची हुई है इसकी लेट्स ट्राई आरकिंज ये ब्लैक विडो से देखते हैं कितना ट्राई कर सकते हैं हम हमको कितना मार सकते हैं उसके हिसाब से देखेंगे पावर uh, गेन अगर आपने डेक्सटरिटी का भी प्रिसिशन लिया जैसे अगर कोई भी बफ कोई भी बफ आपने लिया बहुत ही तगड़ा पावर फ्लड होगा सामने वाले का यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बिल्कुल भी इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं दे रहा है वो बंदा इसमें मैकेनिज़्म बहुत स्ट्रांग रखा है बहुत हार्ड रखा हुआ है इसका मोर्डो का 6.2.5 में यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है मेरे को इंटरसेप्ट करने का ये एनी anyway, वे एक टीम रिवाइव मार रहा हूँ मैं एंड चलते हैं फिर से फाइट करने में ओके कैप्टन अमेरिका आया फ़ाइट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टन कर सकता हूँ उसको आ, अगर आपके पास पावर बार है आपका स्पेशल रेडी है आप लोग मोडो को स्टन कर सकते हो उसके बाद में डायरेक्टली अपना स्पेशल छोड़ो तो एक्स्ट्रा लिवेट बिल्कुल भी नहीं करेगा वो आप लोग मार सकते हो उसको एक्चुअली में एंड दो यहाँ पे तीन लग चुके हैं मेरे पे एंड डी जनरेशन मिला मेरे को क्योंकि मैंने स्पेशल डिलीवरी की वजह से पंद्रह चार्ज से पहले मैंने अपना स्पेशल नहीं छोड़ा जिस वजह से मुझे डी जनरेशन मिला एंड का इजन लेकिन कैप्टन अमेरगन काफ़ी अच्छा मारा था इसको वन लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड की हेल्थ है हर है लेट्स ट्राई हर से लेट्स लेट्सी देखते हैं कितना हम मार सकते हैं कितना कम कर सकते हैं इसकी हेल्थ कोशिश तो यही करूंगा कि ज्यादा से ज़्यादा कम करो लेट्स ही देखते हैं क्या होता है गिल्टी सोल है एस्ट्रा लिवेड है तो डिजनरेशन मिलेगा ये चीज भूल गया इंटरसेप्ट किया मैंने लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई मारने का फोटी नाइन परसेंट अभी भी हेल्थ है उसकी पावर गेन हो रहा है आप लोग देख रहे हो बंदा मुझे हैवी भी नहीं स्पैम करने दे रहा है देख रहे हो बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहा था मोडो इतना एग्रेसिव एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन 6.2.5 में बहुत एग्रेसिव था ये ओके स्पेशल थ्री एंड आई एम डेड आई एम डेड यार आई एम डेड ओके तो गाइस अब आया है निक फ्यूरी फाइट करने के लिए लेट्स ट्राई निक फ्यूरी से हम कितना मार सकते हैं यहाँ पे सेकेंड लाइफ चल रही है निक फ्यूरी की तो डी जनरेशन हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मिलेगा दस चार्जेज हैं हमारे पास एंड uh, ये दिया मैंने एक और ब्लीड लगा नहीं इस पर शायद अच्छा हाँ एबिलिटी एक और ऐसी गिर गई है ना हमारी इस चीज़ का मुझे ध्यान ही नहीं आया जब मैं फ़ाइट कर रहा था क्योंकि यार फाइट में बहुत कुछ होता है बॉस से जब आप फ़ाइट कर रहे हो तो बहुत फोकस हट रहा होता है आपका कभी कभी लोकल नोट्स भूल जाते हैं आ, ये चीज़ भूल गई मेरे को यहाँ पे एबिलिटी जितने ज़्यादा नॉकआउट होंगे उतने ज़्यादा एबिलिटी एक्यूरेसी गिरते चले जाएंगी हर टीम के नॉकआउट होने पे एक बंदे के नॉकआउट होने पे 12.5 गिर रही थी तो मेरे तीन तीन प्लेयर ऑलरेडी नॉकआउट थे मतलब कि मेरी ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन एक्यूरेसी गिर चुकी थी यहाँ पर चैम्पियंस की हर चीज़ याद नहीं रहती यार बॉस फाइट में फोकस करना करना होता है बॉस को कैसे मारना है कैसे इवेट करना है कैसे डेस्क करना है ये चीज़ ध्यान रखनी होती है फिर नोट्स भी याद रखो हर चीज़ याद नहीं रखी जाती है तो इसलिए मार पड़ जाती है कभी कभी लेकिन ठीक है कोई नहीं थर्टीन परसेंट पर हमने फिर भी इसको पहुँचा दिया है कोशिश करते हैं मारने की देखते हैं क्या होता है स्पेशल टू एनहैंस है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्पेशल टू फेंके लेकिन ये बंदा स्पेशल टू फेंक नहीं रहा है पावर गेन हो गया स्पेशल थ्री आ गया इस पर बंदे पर ठीक है कोई नहीं यहाँ पे आई एम डेड अगेन एंड अब पता नहीं कौन बचा अब आर के एंजल बची है तो ट्राई करते हैं उससे भी ओके तो गाइज यहाँ पे आर के एंजल बची हुई है लास्ट मेंबर है ये टीम की इसके बाद में मुझे रिवाइव यूज़ करने पड़ेंगे अगर नहीं मार पाया मैं तो ट्राई करते इलेवन परसेंट टेन परसेंट पर हमने पहुँचा दिया वैसे इसको तो पावर फ्लड हो चुका है पावर गेन हो चुका है यहाँ पे अब तो पावर गेन पे ये बाहर नहीं मारता है तुम्हें लेकिन ये बंदा मेरे को पावर गेन भी नहीं करने दे रहा था ओके पावर फ्लड आ चुका है क्योंकि मेरे पे प्रसीशन डेक्सटेरिटी का प्रिसीशन बफ आया मेरे को पावर गेन तो सामने वाले का पावर गेन होगा यहाँ पे पूरी की पूरी टीम फिर से नॉकआउट हो चुकी है आप मुझे रिवाइव यूज़ करने पड़ेंगे अपने ओके okay, तो गाइज ये है दूसरा रिवाइव बॉस पे नाइन परसेंट पे है बचा हुआ लेट्स सी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं मारने का सेवन परसेंट सिक्स परसेंट पर पहुँचा दिया हमने बहुत ही बढ़िया लास्ट में एक और रिवाइव यूज़ होने वाला है जब भी वन परसेंट पर बचेगा क्योंकि यहाँ पे मैं हैवी नहीं यहाँ पे मैंने हैवी दे दिया बहुत ही बढ़िया यार अरे शिट भाई हमेशा ये मैं स्पेशल टू ईवेट कर लेता हूँ इस बार हुआ ही नहीं लो यार हद है यार इस बार और साले ने फेंक भी दिया इस बार ईवेट स्पेशल टू वरना फेंक भी नहीं रहा था ओके तो दूसरा तीसरा रिवाइव है ये बॉस पे तो ट्राई करते हैं मारने का आ, जितना हो सकता है हमसे टू परसेंट पे है वन परसेंट पर फिर से मैं मरने वाला हूँ अभी यहां पे डैमेज मिलेगा हमें क्यों क्योंकि डू नॉट गो जेंटल की वजह से तो मार तो पड़नी है ना आ, यहां पे डैमेज मिला अब ये मर जाएगा अब ये मर जाएगा ओके okay, तो गाइज यहां पर चार रिवाइव लगे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वाले मेरे आ, पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं और एक टीम टीम रिवाइव लगा है बॉस पे एक टीम टीम रिवाइव लगा है और तीन ट्वेंटी ट्वेंटी वाले रिवाइव लगे हैं है हमारे तो सिक्स पॉइंट टू पॉइंट फाइव यहाँ पे कंप्लीट हुआ मैं आई uh, होप आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर करो मिलूंगा नए वीडियो में तब तो तक के लिए अपना ख्याल रखो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया